अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हुसैन उल्लाह खान और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद हुसैन उल्लाह। आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल के ऊपर आपने वीडियो कैसे बनानी है, खासकर स्टूडियो वीडियो कैसे बननी है। यानी आपके पीछे ग्रीन स्क्रीन होगा, आपने अपने लिंक करने हैं, कोई अपने प्रोग्राम करना है, तो मोबाइल के ऊपर ही आप शूट कैसे कर सकते हैं और मोबाइल के ऊपर ही आप इसको एडिट कैसे कर सकते हैं। इसके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होगा, मैक्सिमम 1000 रुपये में ही आपका सारी की सारी चीज़ें जो है वो पूरी हो सकती हैं। यानी आप किने मास्टर के ऊपर अपनी ग्रीन स्क्रीन को कैसे एडिट कर सकेंगे ये भी हम आपको बताएंगे, और ये ग्रीन स्क्रीन आप कैसे बना सकते हैं ये हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी और एक्सप्रो विस नाम के ऊपर ही लगाई है, जिसका लिंक भी आपको नजर आ रहा है। आप ये वीडियो देख सकते हैं कि आप अपने लिए ग्रीन स्क्रीन, सस्ती तरीन ग्रीन स्क्रीन कैसे बना सकते हैं और फिर आप किने मास्टर के ऊपर इसको एडिट कैसे करेंगे, ये सब कुछ हम आपको आज बताएंगे। दोस्तों, ग्रीन स्क्रीन को सोच के थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आती हैं कि पता नहीं इसको एडिट कैसे करना है। और आप ये जान लें कि ग्रीन स्क्रीन को एडिट करने के सिर्फ 2-3 छोटे से स्टेप हैं, खासकर जब आप किने मास्टर के ऊपर इसको एडिट करेंगे तो बहुत ही आसान है। जस्ट आपने बटन पुश करना है और आपकी ग्रीन स्क्रीन जो है वो आप उसको कट कर सकते हैं, जो भी बैकग्राउंड आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। तो आप खासकर जो यूट्यूबर्स हैं या कोई भी हैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, आप कुछ भी काम करना चाह रहे हैं और अपना स्टूडियो बनाना चाह रहे हैं, तो ग्रीन स्क्रीन के ऊपर, किने मास्टर के ऊपर आप एडिट कर सकते हैं ग्रीन स्क्रीन को। ग्रीन स्क्रीन का फ़ायदा ये होता है कि आप अपना बैकग्राउंड अपना मनपसंद का रख सकते हैं, कोई भी जगह का बैकग्राउंड आप लेना चाहें। आपने सिर्फ ग्रीन स्क्रीन के ऊपर शूट करना है और उस बैकग्राउंड को आपने ग्रीन स्क्रीन की जगह पर लगा लेना, और ये कैसे होगा ये सारा हम आपको आज बताएंगे और किने मास्टर के ऊपर ही बताएंगे। किने मास्टर हमने इसलिए चुना है कि बहुत से लोगों ने पहले भी कहा था कि जो मोबाइल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर मैं बताऊं तो किने मास्टर के ऊपर ही बताऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले मैंने एडोब प्रीमियर रश के बारे में ट्यूटोरियल बताया था, जो बहुत ही आसान है एडिट करने में, और उसका ट्यूटोरियल मैंने सिर्फ इसलिए बताया था कि वो क्रॉस प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज़ हो सकता है। यानी आप मोबाइल के ऊपर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप इसको लैपटॉप के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर उसमें एक ड्रॉबैक ये था कि वो सिर्फ आप आईफोन के ऊपर ही यूज़ कर सकते हैं। तो किने मास्टर आप आईफोन के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं और किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हम आज किने मास्टर पे जाएंगे और देखेंगे कि हमने ग्रीन स्क्रीन को कैसे तब्दील करना है। इसी के अंदर हम मुख्तलिफ चीज़ें आपको और भी बताएंगे कि आपने एनिमेशन कैसे लेके आनी है, आपने अपने इफेक्ट्स कैसे लेके आने, वो तमाम चीज़ें जो एक अच्छे सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर के ऊपर आप यूज़ करते हैं, किसी हद तक मोबाइल वीडियो एडिटिंग के ऊपर भी हम कर सकते हैं, तो वो सारे स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। लेकिन आज सिर्फ ग्रीन स्क्रीन के हवाले से ही मैं आपको इस ट्यूटोरियल में बताऊंगा। और दूसरा, मोबाइल चैनल कह लें, आपके मोबाइल के ऊपर आप अपनी वीडियो को क्रिएटिव वीडियो कैसे बना सकते हैं, खासकर शूट कैसे बना सकते हैं, इसको आप गिम्बल के तौर पर कैसे यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल को आप ड्रोन के तौर पर कैसे यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल के अंदर आप एडिटिंग के अंदर क्रिएटिव चीज़ें कैसे ला सकते हैं, खासकर आपने डबल रोल ट्रिपल रोल यूज़ करना है, उसके अलावा आपने आफ्टर इफेक्ट लगाना है, एनिमेशन लगाना है, ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हम मोबाइल के ऊपर भी वीडियो लगाएंगे। तो चलते हैं हम के किने मास्टर के ऊपर हम अपनी ग्रीन स्क्रीन को कैसे रिमूव कर सकते हैं और अपना बैकग्राउंड कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों, किने मास्टर को आपने ओपन करना है और सीधे इसके फर्स्ट पेज पे हम जाएंगे। ये प्लस का बटन हमने सिलेक्ट करना है, उसके बाद हमारा यूट्यूब की जो फॉर्मेट है 16:9 की, उसको सिलेक्ट करना है। ये आगे से हमें दो ऑप्शन दे रहा है कि हमने मजीद फोटो और वीडियो जो है जो मोबाइल के अंदर हैं उसको सिलेक्ट करना है, जो किने मास्टर के अंदर हैं उसको सिलेक्ट करना है। तो हमें चूंकि मोबाइल के अंदर सिलेक्ट करना है तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन को हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हमने ये जो बैकग्राउंड जो है हमारा, इसको हमने सिलेक्ट किया है, जो पेंटेड वॉल है ये हमें लेना है, और साथ में हमारे पास ये ग्रीन स्क्रीन है जो हमारा लिंक है। अभी सबसे पहले हमने बैकग्राउंड की तरफ जाना है, जो हमारा बैकग्राउंड है वो ये पेंटेड वॉल है, इसको हमने सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। उसके बाद हमें ये लेयर के बटन को पुश करना है, क्योंकि अब हमने इसके ऊपर लेयर लेके आनी है। ये टाइम रंग के ऊपर एक वीडियो है जिसके ऊपर हमने लेयर लानी है, तो ये हमने लेयर को सेलेक्ट करना है, मीडिया को हमने क्लिक करना है, और उसके बाद हमने ऑल के ऊपर जाना है। ये हमारे पास ग्रीन स्क्रीन लिंक है जो यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ग्रीन स्क्रीन लिंक के ऊपर बॉर्डर शो कर रहा है, इसका मतलब हम इसको स्ट्रेच करके फुल स्क्रीन कर सकते हैं जितना हमारे पास पिक्चर है, तो ये हमारे पास शो हो रहा है। अब देखें, जो हमारा लिंक है वो बड़ा है, मगर जो पिक्चर है वो उससे छोटी है, तो हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। ये ऑप्शन है किने मास्टर में, हम इसको जितना स्ट्रेच करना चाहें, जितना हमारा लिंक है उतना हम इसको स्ट्रेच कर लेते हैं। अगला जो स्टेप है वो ये है कि हमने क्रोमा की करना है, यानी हमारा जो ग्रीन स्क्रीन है उसका हमने बैकग्राउंड चेंज करना है, तो ये क्रोमा आपने ग्रीन स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है, तो ये सीधा हम क्रोमा की के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, हमने इसको इनेबल करना है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो है बैकग्राउंड इसका चेंज हो गया है, मगर इसके ऊपर भी हमें मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो मिल रही हैं। ये ट्रैक 1 और ट्रैक 2 है, यानी एक ट्रैक जो है वो हमारा ग्रीन स्क्रीन का है और दूसरा जो बैकग्राउंड का है वो है। अब हम इसको थोड़ा बहुत चेंज करेंगे तो
काफ़ी हद तक आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो बैकग्राउंड है ये सही तरह से उसके ऊपर आ गया है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक हमारा जो ग्रीन स्क्रीन है पीछे से वो कट हो गया है। मज़ीद भी हम इसमें अपना कलर ग्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। अगेन हम ग्रीन स्क्रीन को ही हिट करेंगे और हम क्रोमा की पे जाएंगे। उसके बाद ये डिटेल कर्व्स आ रही हैं। अगर आपको कहीं पे भी लगे कि बालों का कलर सेट नहीं है या कहीं पे मसला आ रहा है तो आप इसको जो कर्व्स हैं इसको हिला सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा नीचे करें तो ये थोड़ा बेहतर हो जाएगा। इसके बालों को भी हम थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसको ओके कर देना है और ये क्रोमा की भी हमारी ओके हो गई। और ये जो हमारी वीडियो है अब तैयार है दोस्तों। ये हमारा जो बैकग्राउंड है ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। ग्रीन स्क्रीन हमारी रिमूव होगी और ग्रीन स्क्रीन की जगह पे हमारा जो बैकग्राउंड है वो भी इसके साथ लग गया है। अब हमने इसको एक्सपोर्ट करना है तो ऊपर जो जो ये बटन है इसको अपने एक्सपोर्ट के बटन को अपने हिट करना है और उसके बाद ये 1080 है हमारा और 30 फ्रेम पर सेकेंड है और हमने इसको क्वालिटी हाई करनी है और उसके बाद एक्सपोर्ट कर देना है। ये एक्सपोर्ट होने के बाद आपके पास मोबाइल में गैलरी में मौजूद होगी और उसके बाद आप इसको लगा सकते हैं अपने YouTube के ऊपर भी। यहाँ पर आपको उसका वाटरमार्क नज़र आएगा क्योंकि ये किनी मास्टर का हमने फ्री वर्जन यूज़ किया है इसलिए उसका वाटरमार्क आएगा। अगर हम बाय करके यूज़ करेंगे तो उसका वाटरमार्क नहीं आएगा। तो सर देख सकते हैं ये हमारी वीडियो एक्सपोर्ट होकर तैयार है। उसके ऊपर आपको ये राइट हैंड टॉप के ऊपर जो है लोगो नज़र आ रहा होगा, ये इसलिए आ रहा है कि हमने इसका फ्री वर्जन यूज़ किया है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मोबाइल के ऊपर अपनी ग्रीन स्क्रीन रिमूव करना बहुत ही आसान है, सिर्फ 2-4 मिनट के अंदर ही आप इसको सीख चुके हैं। और मगर सिर्फ ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर लेना ही काफ़ी नहीं है क्योंकि इसके अंदर भी आप बहुत सी क्रिएटिव काम कर सकते हैं। खासकर इसके अंदर आप एनिमेशन ला सकते हैं, ट्रैक मोशन ला सकते हैं, आफ्टर इफेक्ट का भी काफ़ी हद तक का काम आप काफ़ी हद तक मीन कि बेसिक काम जो है आप मोबाइल वीडियो एडिटिंग यानी कैनन मास्टर के ऊपर भी आप कर सकते हैं। इस हवाले से हम अपनी जो मजीद वीडियोस हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर बनाते रहेंगे। आज का सिर्फ हमने बेसिक रखा था कि ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना जो है वो आप इसको सीख सकें। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि एक अलग चैनल बना रहे हैं YouTube के ऊपर ही जिसपे हम आपको पूरा मोबाइल के हवाले से ही आगाह करते रहेंगे कि मोबाइल स्टूडियो दरअसल आप कैसे बना सकते हैं, कि आपके पास सिर्फ एक मोबाइल हो और एक छोटी सी ग्रीन स्क्रीन हो और आप कहीं पर भी जाकर आप अपना काम कैसे कर सकते हैं। आप इवन के शॉर्ट स्टोरी बनाना चाहें, शॉर्ट ड्रामा बनाना चाहें तो भी मोबाइल के ऊपर बना सकते हैं क्योंकि बहुत से मोबाइल है जिसके अंदर 4K तक का रिजल्ट आता है और इसकी एडिटिंग भी बहुत आसान है मोबाइल के ऊपर। बहुत सी क्रिएटिव काम मोबाइल वीडियो एडिटिंग के ऊपर भी आप कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हम आपको नए चैनल पर बताते जाएंगे जिसका लिंक एक्सप्लोर विद नावला के ऊपर ही हम लगा देंगे। लगभग 2-3 दिन के अंदर ही हम नया चैनल अपना बना रहे हैं। इस ट्यूटोरियल के हवाले से आपकी जो भी राय हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं जिसका लिंक आप नीचे देख सकते हैं कि एक्सप्लोर विद नावला के नाम से है। यही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट लिंक के अंदर भी आप देख सकेंगे और आप कमेंट के अंदर भी पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दें। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।